नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और खास वीडियो में। छोटे में हम बात करेंगे यार पंजाब टीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब टीम का अगला मुकाबला है हैदराबाद के खिलाफ, जो कि खेला जाएगा 9 अप्रैल को और इस मुकाबले की शुरुआत होगी शाम 7:30 बजे से। और ये मुकाबला पंजाब की टीम अपने होम ग्राउंड यानी कि मुलानपुर पर खेलेगी, जो कि पंजाब टीम का नया होम ग्राउंड है और ये अपना दूसरा मुकाबला इस साल का अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगी। रही बात पंजाब टीम की, तो अब तक 4 मुकाबले पंजाब किंग्स खेल चुकी है, जिसमें 2 मुकाबलों में हार तो 2 मुकाबलों में जीत, और अभी अपना 5वां मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ खेलेंगी। वहीं अगर हम हैदराबाद टीम की बात करें तो वो भी अपना 5वां मुकाबला पंजाब टीम के खिलाफ खेलेंगी। हैदराबाद के भी 4 मुकाबलों में 2 जीत और 2 हार हैं, यानी कि ओवरऑल देखिए तो दोनों ही टीमें बराबरी की हैं। बस एक ही बात है कि हैदराबाद की टीम एक बार की चैंपियन है यानी कि 2016 की, और पंजाब की टीम एक बार भी अभी तक आईपीएल का खिताब नहीं जीती है। हालांकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के उस खिलाड़ी के बारे में जिससे पंजाब टीम को उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस अब तक नहीं निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, वो खिलाड़ी और कोई नहीं जितेश शर्मा हैं। आप सभी लोग को बता दें, जितेश शर्मा अब तक 4 मुकाबलों में सिर्फ 58 रन बनाए हैं, जिसमें इनका सर्वाधिक स्कोर देखे तो 27 रन है, जो कि आरसीबी के खिलाफ आया था। पहले मुकाबले में हम देखें तो दिल्ली के खिलाफ बड़ी पारी खेलने में फिर एक बार नाकामयाब हो गए थे। लखनऊ के खिलाफ जहाँ पर पंजाब टीम को अच्छी फिनिशिंग चाहिए थी, लियम लिविंगस्टन भले वहाँ पर चोटिल हो गए थे, लेकिन जितेश शर्मा एज अ फिनिशर हैं पंजाब टीम के, जो कि 5-6 नंबर पर खेलते हैं, वहां पर भी ये फ्लॉप हो गए। और रही बात गुजरात टाइटंस के खिलाफ, तो वहां पर ये राशिद खान को 2 छक्का जरूर लगाए, लेकिन तीसरी गेंद पर आउट हो गए, जो कि फुल टॉस गेंद थी। और कहीं ना कहीं देखें तो जितेश शर्मा के साथ यही चीज हम सभी को पिछले साल भी देखने को मिली थी और 2022 के सीजन में भी। जितेश शर्मा 20 25 30 35 रन बना रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी पारी खेल नहीं पा रहे हैं। इस साल की बात करें तो अब तक 4 मुकाबलों में सिर्फ 58 रन बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि जितेश शर्मा की बैटिंग नहीं आ रही है। देखो, आप लोग मुझे बोलोगे यार काफी नीचे बैटिंग करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर जितेश शर्मा को मानता हूँ कि नीचे बैटिंग करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें गेंदे खेलने को नहीं मिल रही हैं। अगर वो चाहे तो हर मैच में 20 से 25 गेंदे खेले, 30 गेंदे खेले, लेकिन जितेश शर्मा की बात करें तो वो सिर्फ छक्के चौके लगाने आते हैं, 15 20 22 रन बनाकर आउट हो जा रहे हैं। और लखनऊ के खिलाफ तो काफ़ी पहले आ गए थे, वहाँ से वो मैच जिता सकते थे। वैसे लखनऊ की गेंदबाजी अच्छी थी तो कोई भी खिलाड़ी वहाँ पर जिता नहीं सकता, तो यहाँ पर मैं जितेश शर्मा के बारे में उतना कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो जितेश शर्मा का बल्ला अभी तक खामोश रहा है, क्योंकि देखिए पंजाब टीम का मध्यम क्रम थोड़ा सा कमज़ोर है और जितेश शर्मा को मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा ऊपर प्रमोट करना चाहिए पंजाब टीम को, क्योंकि देखिए शशांक सिंह को नंबर 5 की पोजीशन दे दी गई है। जी हाँ, शशांक सिंह अब हम सभी को आगे के मुकाबले में हो सकता है नंबर 5 पर ही खेलते हुए नजर आए और फिर उनसे पीछे आए जितेश शर्मा, क्योंकि देखिए शशांक सिंह मिडिल ओवर्स में थोड़ा अच्छी पारी खेल सकते हैं और थोड़ा सा वो मझे हुए प्लेयर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि शशांक सिंह आते ही छक्के चौके लगाना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। और जितेश शर्मा भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं वो, तो मिडिल ऑर्डर में अगर पंजाब की टीम जितेश शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, इसके अलावा शशांक सिंह को इस्तेमाल करती है तो फिनिशिंग की जिम्मेदारी जो थी वो इनसे हट जाएगी और लियम लिविंगस्टन वो काम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट आते छक्के चौके लगाने की काबिलियत है लियम लिविंगस्टन के अंदर। अगर आप लोग लियम लिविंगस्टन को बोलोगे भैया सिंगल डबल लो, स्ट्राइक रोटेट करो, तो शायद वो नहीं कर पाएंगे, जल्दी आउट हो जाएंगे। बाकी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्या लगता है आपको, जितेश शर्मा को ऊपर बैटिंग में प्रमोट करना चाहिए या उनसे फिनिशिंग करवाना चाहिए? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।